एक नट बचा हुआ है, तीन गायब हैं, यहाँ पे कुछ आलू उगाए हुए हैं। सो आई फाइनली रीच्ड चिटकल, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं, बीच से पानी जा रहा है। नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैंने ये लिया है होटल महिमा, अपना लगेज वगैरह मैंने सारा अंदर रख दिया है। अभी मैं जाऊंगा चिटकुल, चिटकुल से शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा। तो मैं सुबह यहाँ से सीधा रिकोंगपियो के लिए निकल जाऊंगा कल। अगर मैं चिटकुल स्टे करता तो मुझे एक घंटा पहले निकलना पड़ता, क्योंकि चिटकुल से यहाँ तक एक घंटा लगता है। सो अभी निकलते हैं चिटकुल के लिए। सांगला भी एक छोटा सा टाउन है। होमस्टे वगैरह यहाँ काफी सारे हैं। रास्ते में आते हुए मेरे नट निकल चुके हैं टेल टाइडी के, एक नट बचा हुआ है, तीन गायब हैं। तो अभी मैं रुका हूँ वर्कशॉप पे, यहाँ से नए नट लगवाने हैं। A few minutes later. तो मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ चिटकुल के लिए। मैंने अपनी टेल टाइडी में नए स्क्रू डलवा लिए हैं। यहाँ पे फिर से फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से वैली का व्यू काफी अच्छा लग रहा है देखने में। सांगला से पहले जो इलाका था उसके कंपैरिजन में यहाँ पे काफी ग्रीनरी है। यहाँ पे लोग खेती भी करते हैं और नेचुरल ट्री भी काफी सारे हैं। तो चिटकुल जाते हुए रास्ते में छोटे छोटे से काफी सारे गांव हैं, जैसे कि मेरे राइट में एक गांव है बटसेरी, ऐसे ही एक गांव पहले भी आ चुका है। रोड कहीं कहीं पे खराब है, कहीं पे अच्छी है। ये लैंडस्लाइड की वजह से खराब हुई हुई है रोड।
निकल आते आते पहाड़ों का व्यू थोड़ा चेंज हो चुका है। अभी भी ऐसे रास्ते पे जब हम आते हैं, खास करके इस रास्ते पे व्यूज तो काफ़ी सारे आते हैं, बट वहाँ पे रुकने की जगह नहीं होती क्योंकि रोड काफ़ी नैरो है और कोई अगर दूसरा व्हीकल आता है तो उसके लिए रास्ता ब्लॉक हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह का भी खतरा ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे हम रुक नहीं पाते हैं। यहाँ पे पेड़ों पे छोटे छोटे एप्पल लगे हुए हैं, जो भी हम अपनी आंखों से देखते हैं कैमरे में वैसा दिखाई नहीं देता, वो ये जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। चिटकू है 13 किलोमीटर, टाइम हुआ है 3:45। ये रास्ते देखने में जितने ब्यूटीफुल हैं ये उतने ही डेंजरस भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो किसी यहाँ पे कोई रेलिंग वगैरह नहीं लगी हुई है प्रोटेक्शन के लिए। इन रास्तों पे आपको अपने व्हीकल को काफ़ी केयरफुली चलाना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से। मारकंडा में जो सेब के पेड़ थे उन पे कुछ कुछ सेब पके हुए थे, बट जो यहाँ पे सेब के पेड़ हैं उन पे कोई भी सेब पका हुआ नहीं है, ये सारे कच्चे हैं। अभी इनका साइज भी काफ़ी छोटा है। यहाँ पे ये कोई खेत है, यहाँ पे कुछ आलू उगाए हुए हैं और नीचे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि सेब के पेड़ अभी नए लगाए हैं। ये गांव है रिच्छम शायद। यहाँ पे वैली का व्यू काफी अच्छा है। इस गांव में भी काफी सारे होम स्टे हैं, कैफे वगैरह हैं। लकड़ियाँ इकट्ठी की हुई हैं। अभी चिटकुल यहाँ से रहता है 4 किलोमीटर। आप ये वैली देख सकते हैं, सो ब्यूटीफुल, पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं, बीच से पानी जा रहा है।
सो आई फाइनली रीच्ड चिटकल द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया